हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है भीम यूपीआई। तो आज हम समझेंगे भीम यूपीआई क्या है और ये यूपीआई जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं तो ये क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए मतलब उपयोगी साबित होता है और ये न्यूज़ में क्यों है। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि वाई इन न्यूज़, तो ये न्यूज़ में क्यों है। एक्चुअली ऐसा हुआ क्या है कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप किया है और सिंगापुर की गवर्नमेंट के का जो मतलब पेमेंट इंटरफेस सर्विस है जैसे हम पे नाउ बोलते हैं, पे नाउ के साथ इसका एक टाई अप हुआ है जिसके थ्रू क्या है कि अब ये जो भीम यूपीआई का जो इंटरफेस है ये सिंगापुर में भी काम करेगा। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में समझे। अच्छा, आप में से सब ने ये मास्टर कार्ड और ये वीज़ा कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये मास्टर कार्ड और वीज़ा ये जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं ये क्या है, ये विदेशी कंपनियां हैं। ये भी एक तरह के क्या हैं, पेमेंट इंटरफेस हैं। ये अमेरिकन कंपनीज हैं, ये क्या है एक पेमेंट की एक सुविधा। ये पेमेंट इंटरफेस क्या होते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है, तो पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसका क्या काम होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक तरह के क्या हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनका अलग अलग बैंक्स के साथ टाई अप होता है, ठीक है, सारी बैंक्स का, और बैंक्स का जो डेटा होता है, जो ज़रूरी डेटा होता है वो बैंक्स इनके साथ साझा करती हैं, ये पेमेंट इंटरफेस के साथ ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, समझ लीजिए कि हमारा बैंक अकाउंट है पीएनबी में और हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और उसका बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर हमें इन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो अगर हम डायरेक्ट अपनी बैंक से इनके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करें तो इसका मतलब है कि इन दोनों बैंक का आपस में टाई अप होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कंट्री में कई सारी बैंक्स हैं तो सबका क्या आपस में टाई अप होगा। तब यहाँ पे पिक्चर में कौन आता है, तब आते हैं ये जो सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें हम कहते हैं पेमेंट इंटरफेस, ये पिक्चर में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बैंक से, जितनी भी बैंक्स हैं सबसे ये अपना टाई अप करके रखते हैं। तो जब ये टाई अप करके रखते हैं तो अब अगर जैसे हमें अगर हम इंटरफेस के थ्रू इस बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें इस बैंक से टाई अप होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनका डेटा ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होता है तो वो इनके थ्रू वो चीज़ क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब ये चीज़ हम इसको और आगे समझते हैं। तो ये क्या है, तो ये मतलब इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम। तो ये अब इसको हम समझेंगे कि ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम मतलब, अब ये तो हम सभी समझते हैं कि 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी में सारी चीज़ें क्या हैं, डिजिटली हो रही हैं। डिजिटली हो रही हैं मतलब ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे ऐसा होता कि अगर हमें पैसे जमा करने होते तो हमें बैंक में जाना होता था और हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र भी करने होते तो भी हमें बैंक में जाना होता था। तो आज ये हमें एक सुविधा उपलब्ध है कि हम अपने फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें पिक्चर में आती हैं, यहाँ पर आता है ये पेमेंट इंटरफेस। तो ये क्या होता है, इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम राउंड द क्लॉक फंड, मतलब ये 24 घंटे हम कभी भी ये चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैशलेस पेमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि हम कैश लेके जाएं तो हम किसी को दें, तो इससे ये सुविधाजनक है। क्या है, ये कैशलेस पेमेंट है। तो UPI इज़ अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। जैसा कि अभी हमने समझा कि कई सारे बैंक्स का ये जो इनके पास डेटा होता है और ये सिंगल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है, बैंक मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स। बैंक क्या है, बैंक जो अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करती है, बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंक ये सेविंग बैंक्स का अकाउंट और ये जो भी हम चीज़ें बैंक में करते हैं, तो बैंक का ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है कैश ट्रांसफ़र वगैरह की। तो ये UPI क्या है, जैसे ये इंटरफेस है तो इंटरफेस का काम होता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और बाकी चीज़ें आपको खुद ही होंगी, ठीक है। और ये मर्चेंट पेमेंट, अब जैसे हम किसी दुकान में जा रहे हैं और हमने ग्रोसरी की दुकान में गए और ग्रोसरी की दुकान में हमें कोई ग्रोसरी अगर ख़रीदनी हुई तो उसका अगर हमें पेमेंट करना है तो हम ये जो चीज़ें आजकल हमने सभी ने सुनी होंगी इनके बारे में, ये जो भी फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम, तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये पेमेंट, ये गूगल पे फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब तो क्या है, ये मतलब प्राइवेट कंपनी है। तो ये किसके थ्रू करती हैं, ये जो कंपनियां हैं किसके थ्रू ट्रांसफ़र करती हैं, ये UPI के थ्रू। तो UPI मतलब वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र करती हैं। तो UPSC, देखिए यहाँ पे गलत लिख गया है, UPSC नहीं है, UPI है। तो UPI इज़ करंटली द बिगेस्ट अमंग द NPCI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब NPCI क्या है, तो NPCI क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनोमस मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, जो मतलब स्वयं से वो होता है। ये इसका आता जरूर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, लेकिन इसका जो भी रेगुलेशन होता है वो स्वायत्त होता है, ठीक है।
और ऑपरेटिंग इसके अंदर क्या होता है, ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और आधार इनेबल्ड ये जो पेमेंट सर्विसेज हैं और ये भारत बिल पेमेंट सर्विसेज हैं। अच्छा, इनके बारे में जो भी देखा होगा कि जो हमें जो बिल पे मतलब पे करना होता है तो उसको हम ये BBPS प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। रुपे के तो डेबिट कार्ड आजकल मतलब जो भी इंडियन बैंक्स हैं वो रुपे का डेबिट कार्ड क्या होता है कि जिससे जो हमारा ATM कार्ड होता है इसको हम डेबिट कार्ड, तो ये रुपे का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रुपे क्या है, ये भारत का ही है। अब बाकी जो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ये सब क्या है, विदेशी कंपनियाँ हैं। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो द टॉप UPI एप्स टुडे इंक्लूड्स योर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ये हम इसके बारे में आगे भी बढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, ये सब मतलब ये तो प्राइवेट हैं जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये पेमेंट गेटवेज हैं। हाँ, सर्विस जो प्रोवाइड करता है जो प्लेटफॉर्म वो है UPI। ठीक है, तो और ये जो भीम है ये भी एक गेटवे है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गेटवे है। बाकी ये जो भी पेटीएम, गूगल पे ये हैं, ये प्राइवेट कंपनीज़ के हैं। तो एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इंडियाज़ UPI विल बी लिंक्ड टू सिंगापुर्स पे नाउ। तो भारत सरकार क्या है, अपने देश में तो मतलब ये चीज़ कर ही रही है, अब इसका विस्तार कर रही है दूसरे देशों में। तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिंगापुर पहली कंट्री है, ये हमारा जो विस्तार हुआ है ये NPCI के, जो हमारा UPI है जो हमारे देश का है, जैसे कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड बाहर के हैं तो इन्होंने हमारे देश में अपना आके विस्तार कर रखा है, तो हम भी इसे विस्तारित कर रहे हैं। तो हमने कहाँ कहाँ किया है, हमने ये भीम को ये भूटान में किया है, हमारा ये टाइप UAE में हुआ है, मतलब हमारा जो रुपे कार्ड है अब ये भूटान में भी चलेगा, UAE में भी चलेगा। अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, सिंगापुर से भी किया है। ठीक है, तो अब हमारा आउटरीच जो होगा वो आउटरीच मतलब हमारी जो पहुंच बढ़ेगी वो सिंगापुर में भी होगी। तो NPCI लॉन्च UPI विद 21 मेंबर बैंक्स इन 2016। तो ये NPCI लॉन्च कब हुआ था, ये इसके बारे में, तो NPCI लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन मेड यूजिंग द UPI क्रॉस्ड $1 बिलियन। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या हुआ कि अभी जो हमारा लास्ट ये जो अक्टूबर 2021 बीता, इसमें ये जो UPI के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी वैल्यू कितनी थी, $1 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये अमाउंट किसके थ्रू ट्रांसफ़र किया गया, ये इस पेमेंट गेटवे के थ्रू ट्रांसफ़र किया, मतलब इसने बहुत तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द NPCI फर्दर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो अब इतना सारा ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब ये इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेमेंट गेटवे सिस्टम है। तो इस इंडिया, और ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का है, ये अब ये वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड इनको भी मात दे रहा है हमारा बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसने ग्रो किया है 2016 में ही, मतलब इसको हमने लागू किया और ये 4-5 साल में इसकी ग्रोथ इतना से देखा जाए तो एक्सपोनेंशियली हुई है। ठीक है, तो इंडियाज डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री इज़ लाइकली टू, ये यहाँ पे ग्रो होगा, तो ग्रो फ्रॉम $2.153 trillion एट 27% जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। और सोचो ये इंडस्ट्री कितने परसेंट से, 27% से ग्रो कर रही है, और ये 2025 में जो हमारा अनुमान किया गया है तो ये $7,092 trillion पे पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये हमारे लिए एक तरह से भारतवासी होते हुए हमारे लिए गर्व की भी बात है कि हमारे देश का पेमेंट इंटरफेस मतलब इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। द ग्रोथ इज़ लाइकली टू कम ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग यूज केसेस ऑफ मर्चेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंक्लूडिंग जनधन योजना। जनधन योजना के बारे में हम सब ने सुना होगा, 2014 में 15 अगस्त को लागू की गई थी। इसमें क्या था कि हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं, ये गांव-गांव तक पहुंचाना, मतलब गांव-गांव तक लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसकी वजह से ये लागू किया गया था। और ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये अलॉन्ग द ग्रोथ ऑफ MSME, ग्रोथ ऑफ ये मिलेनियल्स एंड हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, मतलब स्मार्टफोन कई लोग ये चीज़ें, अब जितनी भी डिजिटल चीज़ मतलब ये डिजिटल चीज़ें होती हैं तो स्मार्टफोन के थ्रू ये होती हैं ये सारी पेमेंट वगैरह। तो अगर स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये सारी सुविधाएं जब आती हैं तो किसी भी हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, मतलब उनके फ़ायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब हमें क्या होता है, अगर किसी चीज़ का नुकसान हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इसे यूज़ करना छोड़ देंगे, तो चैलेंजेस को हम टैकल करेंगे कि कैसे हम उससे ओवरकम कर सकें। तो चैलेंजेस क्या हैं ये समझते हैं। तो द थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम इन द ग्लोबल बैंकिंग। अब साइबर क्राइम ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए कोरोना में क्या हुआ, लोगों की नौकरियां गई हैं, तो साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में ये जो फॉल्स, ये जो
फ्रॉडलेंट क्लेम्स आते हैं और ये फेक जो भी कॉलर होते हैं ये आपको कुछ ओटीपी वगैरह भेजेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि ओटीपी क्या है। इसके थ्रू कई बार ऐसा होगा कई लोगों के बैंक से पैसे और भी कई तरह के जो मतलब फ्रॉड होते हैं तो आपके बैंक से ही लोग पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या अकाउंट टेक ओवर, ये आइडेंटिटी थेफ्ट, ये क्या है, कार्ड डिटेल्स आपकी चुरा लेते हैं तो उससे भी आपका पैसा चोरी हो जाता है, तो ये एक तरह के साइबर क्राइम है, तो ये थ्रेट है। तो इससे हमें मतलब क्या करना है, हमारी जो सेफ्टी पर्पसेज हैं उनको और भी ज़्यादा सख्त कर देना है। तभी देखिए एटीएम कार्ड में ये जो माइक्रोचिप का सिस्टम आ गया, तो माइक्रोचिप में क्या है आपकी डिटेल्स रहेंगी, तो एक तरह से और भी ज़्यादा सेफ कर दिया गया है। उसमें 3 पॉइंट की मतलब सेफ्टी होती है, आपका पिन भी होता है और ये आपके जो कार्ड का पीछे CVV नंबर होता है वो आपका ही होता है, आपको पता होता है, सबको आपको बताना नहीं होता। तो ये एक तरह की क्या होती है, ये सारी सिक्योरिटीज होती है। तो साइबर क्राइम इन द ग्लोबल बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज अमिड द कोरोना वायरस पैंडेमिक, एग्जाम्पल एज मलेशियस सॉफ्टवेयर सेरेबरस। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब ये वायरस फैलाता है और ये सब चीज़ें क्या होती है, इस तरह के सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्या करते हैं आपके आपके बैंक अकाउंट में मतलब एक तरह से सेंधमारी करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हमने आगे पीछे भी जिक्र किया था, तो हमने पढ़ा था कि एक ऑटोनोमस मतलब इंस्टीट्यूट है। तो ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंतर्गत बाकी सारी छोटे छोटे निकाय आते हैं और वो सारी सर्विसेज अलग अलग दी जाती हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है किसका, RBI का और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA जिसे कहते हैं, और RBI तो हमारे देश का मतलब जो केंद्रीय बैंक है। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट ऑफ 2007, तो ये किसके थ्रू इसका गठन किया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट ऑफ 2007 इसके थ्रू इसको इसका गठन किया गया है। इसके गठन में किसके किसका योगदान था, RBI का था और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का योगदान था। फिर क्या है आगे, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, और ये सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 1956 का था तो उसके सेक्शन 25 का बनाया गया। अब ये जब बनाया था तब 2007 में आया था मतलब ये पिक्चर में, लेकिन फिर ये कंपनीज एक्ट का 2013 में मतलब संशोधन कर दिया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, तब ये सेक्शन 8 के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन फिर भी आपके समझ के लिए इसे बता दिया गया है। तो विद एन इंटेंशन टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो ये किस इंटेंशन से बनाया गया था कि हिंदुस्तान मतलब एक तरह की ज़मीन तैयार की गई थी ये तब किस चीज़ के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए इंडिया में, कि इसको एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। तो ये उसी की नींव तैयार की गई थी और फिर इसी के थ्रू आया हमारा UPI। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, अब हमने चैलेंजेस पढ़ लिए, अचीवमेंट्स पढ़ लिए, क्या चीज़ है, इससे हमें क्या सुविधा मिलती है, सारी चीज़ें पढ़ ली। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आगे की राह हमारी कैसी हो, तो ये है कि प्रॉपरली डिज़ाइन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो PPP मॉडल होता है ये अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए तो ये पॉलिसी में प्रोवाइड 21st सेंचुरी इंजन टू हार्नेस द पावर ऑफ मार्केट प्लेयर्स फॉर ग्रेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस एंड लिटरेसी फॉर द पब्लिक। अगर इसको हम प्रॉपरली PPE मॉडल पे अगर हम करें तो प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं जिससे कि हम ये सारे सर्विसेज हैं सीमलेस मतलब इसको बिना किसी रोक टोक के बिना किसी बाधा के हम प्रोवाइड कर सकें। और इन सब चीज़ों को देखिए जब लागू करने के लिए क्या होता है कि डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिजिटल लिटरेसी होगी तो लोगों को अपने मतलब सारे अधिकार पता होंगे, सारी सेफ्टी फीचर्स पता होंगे कि किस तरह से अगर वो किस तरह से मतलब इस चीज़ों को लागू करें, कैसे इनमें बिहेव करें कि ये सही प्रकार से लागू हों। तो इन अ वाइब्रेंट इंडियन डेमोक्रेसी, अब इंडिया की डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में, तो पब्लिक पॉलिसी ड्रिवन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द इंडियन इलेक्टोरेट कैन हेल्प इंश्योर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल कंडक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर हमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को मतलब टैकल करना है, उसको हमें पाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये पब्लिक पॉलिसी हो जो कि डिजिटल एम्पावरमेंट की ओर बढ़े। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, होपफुली आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू।